नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना सिविल लाइन बेलबाग ओमती थाना पुलिस की टीम ने आज संयुक्त कार्रवाई करते हुए बेलबाग थाना इलाके से एक सब्जी दुकान से 36 लीटर देसी शराब बरामद की है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए बेलबाग थाना प्रभारी प्रियंका केवट ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर तीनों थानों की टीम ने आज संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक सब्जी दुकान पर दबिश देते हुए 36 लीटर देसी शराब बरामद की है। वहीं मामले में जांच की जा रही है और आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ओमती थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि इस सर्चिंग अभियान में भरतीपुर से 10 बोतल अंग्रेजी शराब और 35 पौवे ओमती पुलिस ने भी जब्त किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। अन्य थानों ने मिलकर एक कुछ चेकिंग अभियान किया है, क्या मिला उसमें और कितनी किस प्रकार से कार्रवाई करी और किन लोगों पर कार्रवाई करी? आज श्रीमान CSP महोदय ओमती के नेतृत्व में और उनके संभाग के तीनों थाना ओमती बेलबाग और सिविल लाइन के बल के साथ हम लोग ने भरतीपुर आठनल गुरंदी और आपका मटका बाजार तरफ प्रॉपर सर्चिंग की है। तो वहाँ पे हमको एक प्रकरण अवैध शराब का मिला है जिसमें करबम लगभग 35 शराब के पौवे हैं और एक सट्टे का प्रकरण भी मिला है लगभग 550 रुपये का, वो सट्टा है। तो दोनों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और भी जगह हम लोगों ने तलाशी ली लेकिन अभी हमें कुछ अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। जी धन्यवाद। जी मैम, सर्चिंग अभियान चलाया गया था, क्या बरामद हुआ, क्या कार्रवाई? आज श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक ओमती CSP साहब के नेतृत्व में सिविल लाइन थाना ओमती बेलबाग की पूरा स्टाफ मिलके टीम गठित करके अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया था सर्चिंग के लिए, जो आठनल भरतीपुर गुरंदी गलगला सभी जगह सर्चिंग की गई। इसी दौरान गलगला में सब्जी दुकान के पास से अवैध शराब मिला है जिसमें कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितनी होगी? लगभग 36 लीटर करीबन देसी शराब। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।